नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो 18/1/2023 की गोजाडंगा की बांग्लादेश बॉर्डर की रिपोर्ट आ चुकी है, मैंने निर्यात रिपोर्ट कि गोजाडंगा बॉर्डर से कितना माल गया कितना माल नहीं गया। इसके अलावा सबसे पहले बोलना चाहूँगा, कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे पास में जिसमें ये बोला जाता है कि भाई उनको बांग्लादेश के अंदर प्याज निर्यात करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दो। तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो ज़रूर बना के डाल दूंगा जिससे आपको नॉलेज हो जाए कि बांग्लादेश में काम कैसे किया जाता है, कैसे निर्यात किया जाता है, या फिर ये भी सोच सकते हैं कि बायर कैसे ढूंढा जाता है। तो बायर के लिए या मतलब इंपोर्टर के लिए, आयातक के लिए थोड़ी बहुत हेल्प हम भी कर सकते हैं। बाकी अलग से जब वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको सारी डिटेल्स में समझा दूँगा। और दूसरी ये बात कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी भाई को भाव की ज़रूरत हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये सिर्फ मैं बोलूँगा, बाकी आपकी इच्छा है आप करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि निर्यात के लिए प्याज मतलब कितने ट्रक आए प्याज। तो 20 ट्रक आए थे गोजाडंगा बॉर्डर के ऊपर 18 तारीख को, और सबसे बड़ी बात बैलेंस कोई ट्रक नहीं है। 20 के 20 निर्यात ऑलरेडी हो चुके हैं, पूरे के पूरे 20 निर्यात हो गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाव की कि क्या भाव में बिका है। तो अभी भी नासिक का नया माल जो है वो चल रहा है गोजाडंगा बॉर्डर के ऊपर। तो जो नए माल में जो मीडियम मोटा माल चला है वो चला है 32 से 33 बीड़ी टका के अंदर, और सुपर गुल्टा की अगर बात करते हैं तो सुपर गुल्टा बिका है 31 से 32 बीड़ी टका के अंदर, और गुल्टा की अगर बात करते हैं तो गुल्टा बिका है 29 से 30 बीड़ी टका के अंदर, और गुल्टा गुल्टी की अगर बात करते हैं तो गुल्टा गुल्टी जो बिका है 27 से 28 बीड़ी टका में बिका है। और नासिक का पुराना माल भी आ रहा है, जो पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहे हैं, नासिक का जो पुराना माल है 24 से 27 बीड़ी टका में गया है। और इंदौर का भी अभी तक पुराना माल चल रहा है इंदौर का, तो इंदौर की अगर बात करें तो 22 से 23 बीड़ी टका में गया है। और इंदौर के अगर नए माल की बात करते हैं तो इंदौर का जो नया माल है 29 से 30 बीड़ी टका में गया है। सोलापुर के माल के अंदर थोड़ी तेज़ी नज़र आ रही है, सोलापुर का जो माल है आज बिका है 32 से 33 बीड़ी टका के अंदर। पटना का जो माल है वो पहले भी आप पिछले वीडियो में भी नहीं आया था, मतलब कई दिनों से आ ही नहीं रहा है, और पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि नहीं आ रहा है वो, तो वहाँ बिल्कुल किसी तरह की भी आवक नहीं है पटना के माल की, पटना के प्याज की। और गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात का माल बिका है 30 से 32 बीड़ी टका के अंदर। और अभी सुख सागर चल रहा है, आपको पता ही है सुख सागर का जो भाव चल रहा है, सुख सागर 18 से 21 बीड़ी टका में बिक रहा है। तो मतलब सबसे डाउन रेट के अंदर सुख सागर ही बिक रहा है। और 17 तारीख को जो गोजाडंगा से बॉर्डर गए थे वो भी 20 गए थे, और आज 18 को भी 20 ही गए हैं। तो मतलब लमसम सेम ही चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब तेज़ी नहीं है निर्यात के अंदर, हल्का फुल्का चल रहा है, क्योंकि यहाँ 20 की जगह कम से कम 100-150 हों तो शायद ज़्यादा रेट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको 19 तारीख का बता देते हैं कितना ट्रक आया है बांग्लादेश से निर्यात होने के लिए। तो 19 तारीख को जो है 12 ट्रक के करीब पहुँचे हैं अभी तक निर्यात होने के लिए, जो निर्यात हुए नहीं है, हो रहे हैं निर्यात। तो जैसे ही निर्यात होगा हमारे पास रिपोर्ट आई जाएगी तो आपको रिपोर्ट ज़रूर बताएंगे क्या भाव में बिका है। अब आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी भाई को भाव की ज़रूरत हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाव के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।